आज बिल के ऊपर काउंसिल में चर्चा नहीं हुई, जीएसटी काउंसिल में पहला ड्राफ्ट नहीं मालूम, उसका कंटेंट नहीं मालूम, वो क्या होगा उसके संबंध में मैं आज आश्वासन दे दूं, कोई एक एक भी ऐसी परंपरा है कि जो ड्राफ्ट तक नहीं हुआ जिसका कंटेंट नहीं मालूम। मैंने स्पष्ट कहा, मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूं कि हमें कोई उस बिल को, कोई हमारा इरादा नहीं है कि उस बिल को आपसे बिना चर्चा किए हुए हम इस प्रकार से पारित करें, हम चाहेंगे। लेकिन एक बार बिल का ड्राफ्ट बनने दीजिए, और इसलिए ड्राफ्ट बनने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। आप ही के 8 मंत्री होंगे, 8 ऑफ योर मिनिस्टर्स आर गोइंग टू ड्राफ्ट इट, 8 ऑफ योर मिनिस्टर्स आर गोइंग टू ड्राफ्ट इट, एंड दिस हाउस विल ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस व्हाटएवर लेजिस्लेशन इज देयर। सो अंडर, मैं बिना इस बात के इसको यकीनन कह सकता हूं, बिना किसी खंडन के डर से, कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था, वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था, और कम से कम उस समझौते को एंटनी साहब से आप समझ लेते, यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। अगर ये 11 साल की जानकारी होती, 11 साल की जानकारी होती, तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में। अरे तुमने तो 11 साल का समय दे रहे थे। यू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एसआईटी ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन, यू कल्यूडेड, एंड आई एम मेकिंग अ सीरियस चार्ज विद इन जिन लोग, जो लोग एक्चुअल इनकाउंटर में इन्वॉल्व थे, 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं की ताकि उनकी बेल हो जाए और बाद में वो राजनीतिक नेताओं के खिलाफ गवाह बन जाए, ये प्रयास था। बट इन द प्रोसेस यू अनबेल्ड द इंटायर सिक्योरिटी एपरेटस ऑफ इंडिया, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ, बिकॉज यू वॉन्टेड टू फिक्स सम पोलिटिकल लीडर, वो रूल ऑफ लॉ था, वो इंटॉलरेंस नहीं थी। एवरी स्टेट्स बजट इज गोइंग टू से भाई ना, इस बार तय हुआ है कि जीएसटी रेट 16% होगा या 15.5% होगा, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल तो उसका रहेगा, लेजिस्लेटिव कंट्रोल उसका रहेगा, लेकिन एनआरकी खड़ी करने का बेस्ट, सबसे सरल तरीका यह है कि जो जीएसटी काउंसिल में तय हो, 32 के 32 लेजिस्लेटिव बॉडीज कह दे अब हम अपना अपना रेट तय करेंगे, तो फिर भूल जाए जीएसटी क्यों आएगा। इसलिए जब आपने एक नई व्यवस्था, आप एक बार मौली साहब इसमें कंफ्यूजन में मत रहिए, यह कानून मैंने नहीं बनाया, केंद्र ने नहीं बनाया, मेरा तो 1/3 वोट था, 7 कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी है, इसलिए उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन, द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज, व्हेन एवरी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स हिज बजट्स, the rates are obviously going to come in for parliamentary control or the state legislative control.